Okay, so hey there guys, welcome back to my YouTube channel. Just woke up to wonderful comments of you guys in the previous vlog. बहुत लोगों को वो bridge वाला scene भी अच्छा लगा, ऊपर से वो जो मैंने clouds वगैरह सब time lapse किया था वो भी अच्छा लगा. और मुझे अंदर से पता था कि people are eventually gonna like it. इसके लिए मैंने वो जो scene था वो extend किया था थोड़ा बहुत. If you notice, तो I am just glad कि you guys like that scene. और ऊपर से lot of you guys also commented, my friends commented and told me video अच्छा था. बस these are a few small things that matter the most. और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोग appreciate करते हैं, तो मुझे motivation मिलता रहता है कि नहीं, people are liking it, so I have to do this. मुझे और video डालने हैं, so yeah. Now let's go down. मेरा एक ये plan है कि नीचे जो है building के बच्चे सब खेल रहे हैं और they have kind of an attachment with me. तो it depends कितने लोग हैं नीचे. अगर ज़्यादा होंगे और मैं अचानक जाऊँगा तो वो लोग एकदम खुश हो जाएंगे. तो I am just trying to capture that reaction. तो let's see if that happens. वरना फिर मेरा plan है कि मैं cycle नीचे लेके जाऊँगा. Let's see what to do. अभी पहले तो फिलहाल मैं मुँह धोऊँगा. तो अभी मैं जब उठा तो वैसे तो माय बॉडी वाज लाइक सो जा. बट अगर मैं सो जाता तो मैं फिर सीधा रात को उठता. एंड मैं इधर सोने के लिए थोड़ी आया हूँ यार, मैं कंटेंट बनाने के लिए आया हूँ. तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं बनता एक्चुअली सो के. और नींद तो काफ़ी अभी भी आ रही है, बट देन आई जस्ट इग्नोर इट क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है. मेरा जो गियर है, मेरी जो लाइट्स वगैरह जो कुछ भी है मुझे साइकिल पे लगानी है, क्योंकि राइडिंग के लिए मैं कभी भी निकल सकता. दिस नो सच फिक्स्ड डे, फिक्स्ड व्लॉग कोई भी नहीं. मतलब कभी भी राइडिंग वाला व्लॉग आ सकता है, तो इसके लिए मुझे तैयारी रखनी पड़ेगी. अभी हिंट दे दिए तो अभी समझ. मेरी डांस कर. तो बहुत टाइम हो गया कि हम लोग ने एक ब्रो टू ब्रो बात नहीं की, तो मैं थोड़ी एक दो चीज़ें शेयर कर लेता हूँ जो मैंने एक साल पहले व्लॉगिंग में फेस की थी. तो मैंने जब एक साल पहले वीडियो बनाना चालू किया था, व्लॉगिंग बोल दो, तो मुझे तो ऐसा ही था कि लोग जैसे पहले गालियाँ दे रहे थे वैसे ही अभी भी गालियाँ देंगे कि ये फालतू वीडियो बनाता, इसको वीडियो बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता. तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती थी जब भी मैं कैमरा उठाता था और बात करता था कि साला ये वीडियो में भी लोग बोलेंगे फालतू वीडियो है, ये है, वो है. कोई सक्सेसफुल तो नहीं हो गया, लेकिन वो टाइम पे जब मैं वीडियो बनाता था तो मेरे थे एग्जैक्ट डॉट 218 सब्सक्राइबर्स, और आज एक साल बाद मेरे हैं 319 सब्सक्राइबर्स. तो मतलब आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. मुझे पता है कि एक साल में 100 सब्सक्राइबर्स इज़ रियली बैड, पर मेरे लिए तो मुझे यही लगता है कि नहीं बॉस, ये अच्छा है कि मैंने इतनी मेहनत की कि 100 सब्सक्राइबर तो बड़े, 100 लोग in real life if you see that's a lot. तो this is just all I wanted to share. जो लोग comment करते थे, जो लोग गालियाँ लिखते थे, वो लोग आज क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अच्छी वीडियो बना रहा हूँ और बनाते रहूँगा. तो बस यही चीज़ थी जो मुझे कब से शेयर करनी थी, पर मुझे लगा अच्छे से एकदम बैठ के फिर बात करूँगा, क्योंकि ट्रैवलिंग वावलिंग सब मैं कहाँ कुछ बोलूँ, तो मैंने बोला इधर ही आके बात करूँगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. या तो व्लॉगिंग की बात निकल ही गई है, तो मैं बहुत लोग मुझे पूछते रहते, अक्सर पूछ रहे थे कि तूने व्लॉगिंग किसको देख के चालू की, एंड दे ऑल्सो नो द आंसर कि इसने व्लॉगिंग मुंबईकर निखिल को देख के चालू की, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. वो टाइम पे मैं मुंबईकर निखिल के वीडियोस देखता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मुंबईकर निखिल है कौन. मैंने तो जस्ट मेरा फ़ोन उठाया था और मैंने एक सिंपल सा वीडियो शूट किया था, सब मेरा कबर वबर सब बताया था, पर दैट वीडियो मेरे पास तो पड़ा है लेकिन मैंने आज तक कभी वो शेयर नहीं किया, बिकॉज आई थॉट दैट वाज़न्ट अप टू द मार्क. और उसके बाद द नेक्स्ट डे आई शॉट अ व्लॉग विद माई आईपैड. तो मैंने जब आईपैड पे वीडियो बनाया था तो अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड दैट वीडियो. उसमें कमेंट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के कमेंट हैं. उसको भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि इसको ये कमेंट कर रहा है तो इसके नाम से मुझे चिढ़ा दे दे, फिर भी मैं सुनता रहता था. तो मतलब दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैव फेस्ड इन लाइक द पास्ट 2 ईयर्स ऑफ व्लॉगिंग. मैं कभी स्ट्रगल मेरी शेयर नहीं करता, क्योंकि आई पर्सनली फील कि यार स्ट्रगल शेयर करूँ
मतलब मैं वीडियो थोड़ी ना स्ट्रगल शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, मैं तो वीडियो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बना रहा हूँ। सो दिस इज माय स्टोरी अबाउट व्लॉगिंग, और बहुत सारे किस्से हैं, आगे धीरे धीरे करता जाऊंगा, वरना क्या है कि ये व्लॉग पूरा उस पे ही हो जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करता। तो अभी एक मस्त मसालेदार टाइम लैप्स शूट किया है, तो यू कैन गो एंड वॉच इट नाउ। खौफनाक अंदर सी ये सोच मेरी खतरनाक, सत्तर से हट करिए पौच मेरी फतर से मस्त किए, सोच तेरी अंदर से पंचर ये व्यूज तेरे खंजर से बंजर ये दोस्त तेरे मेरे फ्लोज में हर पल सारी स्विचेस है पिचेस है ना ही पिचेस है सिलेबस की डिफरेंस ही पिचेस है तुम्हें चिट है सोच से अफसोस से मत होश है मेरे गाने ये तराने जीवन के में नहीं है माने अफसाने फसाने जो खुदा ने दिए खजाने जो जमाने से अनजाने ना जाने ना माने ना दिए खुदा की ताकतों को पहचाने पहचाना पहचाना नहीं पहचाना पहचाना सही। तो गाइस दिस वाज इट फॉर द व्लॉग। मुझे पता है ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और मैंने ये व्लॉग को जितना रॉ हो सके उतना रखने की कोशिश की थी। नेक्स्ट व्लॉग जस्ट गेस व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में मैं क्या करने वाला हूँ, और दैट व्लॉग इज़ गोना बी जस्ट बॉम्ब, क्योंकि प्लान तो हो गया है, बस अभी वो एग्जीक्यूट करना बाकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर व्हाट्स एवर रीजन यू लाइक दिस वीडियो गो अहेड एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड या स्टे ट्यून फॉर द डेली व्लॉग्स, एंड बस यही सब चल रहा है अभी तो। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे। अभी तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अभी सुबह को वीडियो डालूंगा ना, तो जो सुबह को देखेगा उसका दिन अच्छा चलेगा। माइक टेस्ट करने का सही तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 The young kid who wanna touch skyscrapers, whose dreams were big, and where metal paper planes.